पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए आपको गायन के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय परिवार के सभी साथीगण, देश में लोकतंत्र का महाअभियान सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव संपन्न, और देश ने जो जनादेश दिया उसमें नरेंद्र मोदी जी की स्थायी रूप से सरकार देश में फिर काम करे और देश को उन्नत बनाने में की जिम्मेवारी उनके ऊपर देश की जनता ने। कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष के रूप में हमेशा 125 साल पुरानी हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी कार्यशैली, सत्ता में रहकर देश की सेवा करने में बलिदान देते हुए उन्नत करने में, आज़ादी दिलाने में हमारी पार्टी ने हमेशा से, मैं समझता हूँ, एक सकारात्मक पहलू देश के सामने हर समय रखा। पंकज संघवी जी हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उनको चुना और हमने भी अपनी बातें पूरे इंदौर शहर के सामने रखी, इंदौर संसदीय क्षेत्र के सामने रखी। मैं समझता हूं कि चूंकि लोकतंत्र में इस अभियान में नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, वही इंदौर की जनता ने किया। पर अब हमारा दायित्व होता है, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है प्रदेश में, मैं मंत्री हूँ सरकार में, इस शहर का परिवार का बेटा हूँ और हमारे और भी मंत्री इसी शहर से दो दो तीन तीन हम लोग हैं। शंकर लालवानी जी जो जीते हैं उनको सबसे पहले हम बधाई भी देते हैं और आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि उनको साथ लेकर या उनके साथ होकर इंदौर शहर के लिए जैसा हम सपना देखते थे, हमारे घोषणा पत्र में आदरणीय पंकज संघवी जी ने जो अपनी बात एक चुनाव के परिपत्र के माध्यम से इंदौर शहर की जनता के बीच में, संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचाई, हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल कर एक ऐसा इंदौर जो विश्व के अच्छे शहरों में जिसका नाम हो, और जैसा हम कहते थे कि आने वाली 50 साल की भावी पीढ़ियों के लिए इंदौर की नींव हमें इस चुनाव में रखना है। जरूर हम हारे हैं पर हमारे सपने अच्छे इंदौर, स्वच्छ इंदौर, सकारात्मक इंदौर, रोजगार वाले इंदौर, औद्योगिक क्षेत्र में नाम कमाने वाला इंदौर, अपनी अस्मिता को बचाते हुए इस देश के प्रथम 5 शहरों में, 10 शहरों में हमारा इंदौर कैसे आए, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय शंकर लालवानी जी को बधाई देता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से। आदरणीय शंकर लालवानी जी से अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, आप अब सांसद हैं, आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंदौर शहर, इंदौर संसदीय क्षेत्र नंबर 1 कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा आयाम पैदा किया, एक जनसेवा का और खासकर ग्वालियर संबल संभाग की उन्नति का और खासकर गुना संसदीय क्षेत्र का। आप देखोगे कि कोई कसर बाकी नहीं रखता था ज्योतिराज सिंधिया का कार्य व्यवहार, उनके काम करने की शैली, किसी भी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप देखोगे कि उन्होंने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर यही लोकतंत्र है, इसी को हम स्वीकार करते हैं। मैंने कुछ नेगेटिव बातें आएगी तो फिर जो मैंने पहले बातें कही उन पर जरा ब्रेक लगेगा। मैं समझता हूँ जो जनादेश मिला है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हारना अपने आप में इस प्रश्न को बनाता है कि आप ही समझो कि नैरेटिव से जो बातें थी हारे कैसे और लोकतंत्र में आवश्यकता है किन मुद्दों की थी और हुए कौन से मुद्दों पे चुना, इस आधार को हमें आप ही समझते हैं। मैं भी अब उसको बोलना ज्यादा गहराई का अभी समय नहीं है, तो समय आएगा जब बात। बड़ी अच्छी बात है, आपके बड़े नेता ये कह रहे हैं और अभी आपने कहा कि हम शंकर लालवानी के साथ मिलकर शहर के विकास की बातें करेंगे। कल लालवानी ने ये बात कही है कि वो स्मार्ट सिटी का विकास, स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए जिस तरह की भी तोड़फोड़ किया जा रहा है वो करेंगे, और आपकी सरकार और आपने दावा किया है कि हम किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, तो ऐसे में कैसे आप लोगों का साथ बनेगा? ये चूंकि हमने जो प्रेस से बात कर रहे हैं सकारात्मक मैसेज के लिए कर रहे हैं,
शंकर लालवानी भी चूंकि हमारे शहर के पहले जनप्रतिनिधि हैं संसदीय क्षेत्र के, नेचुरल एक जनप्रतिनिधियों का परिवार होता है, हम सब मिलकर दिशा निर्देश तय करेंगे और फिर आगे पंजाब में स्थाई है। 5 साल लगातार हम आपको सेवाएं मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए करते रहेंगे, अगले 5 साल आएंगे तब यही सरकार वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतेगी। और चूंकि ये सवाल बार बार उठा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं के बयान देते हैं, मैं समझता हूँ यही अहंकार है और इसी सोच से लड़ना है हम लोग, और इसी सोच से लड़ते लड़ते ही कांग्रेस पार्टी ने इतने साल देश अंग्रेजों को लड़ते लड़ते भगाया था, तो मैं समझता हूँ कि इस विचार के सामने तो हम अच्छे से लड़ेंगे, सरकार भी अच्छी चलेगी, उन्नति भी अच्छी होगी, मध्य प्रदेश पहले देश के पहले राज्यों में स्थान मिला है। कांग्रेस जनों ने खूब अटाटूट मेहनत की, मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कई मोहल्लों में मुझे आज ही एक उदाहरण सामने मिला कि हमारी मेरी विधानसभा का एक बूथ है भूरी टेकरी का, उस बूथ के कार्यकर्ताओं से जब मैं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी की मैं टेबल लगी थी ना कोई काम करने वाला आया था, फिर भी हम उस बूथ पे सात वोट से हार गए। कहने का अर्थ ये है कि पब्लिक अपने आप नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहती थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अटाटूट मेहनत से पंकज संघवी जी का एकजुटता से काम किया, एक एक परिवार के साथी ने जिससे जो दरबन पड़ा वो किया, मैं समझता हूँ उनको भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इंदौर शहर के परिवारजन आप सब की मेहनत आप सबकी कोशिश में कोई कमी नहीं रही, नेगेटिव ऐसा था जिससे कि हम पीछे रहे। मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि हार न जीत, अब पूरी कविता पढ़ूंगा तो ठीक नहीं, पर मैं बेसिक ये है कि हमारी भावना है लड़ते रहो, सकारात्मक रहो, देश के लिए रहो, पॉजिटिव रहो, हमारा अपना शहर है, जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है उसको मानते रहो और उन्नति के लिए काम करो सकारात्मक। धन्यवाद। जो वादे थे उन्होंने लोगों से सपने थे उनको लेकर वो देश की जनता के बीच में गए 2014 में और देश ने उनको चुना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को जो जो कमियां एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखी लगी और एक विपक्ष का जो रोल होता है उसको निभाते हुए हमने अपनी बात देश के सामने कही है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी की बातों पर, उनके मुद्दों पर, उनके नैरेटिव पर विश्वास किया और उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाया, इसका हम स्वागत करते और आशा करते हैं कि देश विश्व में नंबर वन आए, इसके लिए हमारी सरकार देश के प्रधानमंत्री चूंकि अब वो सिर्फ शपथ लेते हैं उसके बाद सिर्फ पार्टी के नहीं होते हैं देश के होते हैं, इस नाते मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की चाहत और इच्छा ये है कि देश सबसे उन्नत राष्ट्र बने, इसमें कांग्रेस पार्टी भी अपनी सहयोगी भूमिका में एक अच्छा विपक्ष का रोल, सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाते हुए अपने दायित्व का निर्वाह है। मध्य प्रदेश में भी उसी तरह के रुझान लगभग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, लोकतंत्र में और ऐसे इंदौर में भी आए। लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि जब जनता जनादेश देती है तो उसमें कुछ भी किंतु परंतु नुक्स निकालना उस वोट का अपमान होता है जो जनता ने दिया है, तो मैं समझता हूँ जनता वोट देती है सोच समझ के देती है, विचार करके देती है और सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चाहे विरोधी हो उसको आत्मसात करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के स्वीकार करती है। वो सब लाभ जिससे हमारे बच्चों को मिलना चाहिए योजनाओं के माध्यम से वो सब दिलाने में मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार और आप संसदीय क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों इस नाते आप, मैं समझता हूँ दोनों का सबका मिलकर एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हम चूंकि पहली बार प्रेस से हम बात करते हुए इंदौर शहर की जनता से सकारात्मक प्रार्थना के साथ कि आप लोगों ने जितना समर्थन दिया हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई अपनी जगह चल सकती है पर इंदौर शहर की उन्नति में हम सब सहयोगी साथ मिलकर चलें
मैं आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय शंकर लाल मान को बधाई देता हूँ और हमारे पूर्ण उद्देश्य का भाव आपके माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों का एक ही निश्चित होना चाहिए कि हमारा शहर सबसे नंबर वन हो, इसके लिए हम अग्रसर हैं, सहयोगी हैं, सकारात्मक। पूरी जो टीम वर्क होता है, जीतते तो कई को श्रेय मिलता, अभी नरेंद्र मोदी जी जीते तो उनको भी मिलता है, पर थोड़ा बहुत दूसरों को भी, कोई बंगाल में बता रहा है, कोई अमित शाह का बता रहा है, कोई मध्य प्रदेश में शिवराज का बता रहा है, कोई कुछ ना कुछ, सबका रोल है, कहीं साइड रोल है, कहीं छह सात नाच रहे थे, पीछे नाच रहा था, उसका भी रोल है, तो कुछ ना कुछ हो। राहुल गांधी जी पिछले 5 साल से लगातार एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है, लगातार अद्भुत मेहनत के साथ जनता के बीच में है, देश के बीच में है, जनता क्या तय करती है। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी इतने साल के नेता थे, लगातार वो एक अकेले चुन के जाते थे या 5-10-20 सांसद भी उनके होते थे, तो उनकी विपक्ष की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और लगातार हारते रहते थे। तो ये कहना कि लोकतंत्र में, मैं समझता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक व्यक्तित्व है, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने, ऐसे राहुल प्रयास करते हैं, अपनी बात कहते हैं, कांग्रेस से कहते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चले। प्रियंका गांधी का कितना पोटेंशियल था, एक बड़े लीडर ग्रुप में थी प्रियंका गांधी। और मैं जो निर्णय आया है उसे स्वीकार करता हूँ, और कांग्रेस की सरकार है जो सकारात्मक रूप से शहर के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमसे जो हमने बोला है, पानी की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था जो हमको करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्री उसके साथ बैठकर उसका काम हम पूरा करेंगे। और फिर से शंकर लालवानी जी और उनकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे सबने कहा और बड़ी हार हो गई, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, इस तरह की बातें करने का मतलब भी नहीं। अभी आप कुछ नहीं, अब जो बड़े नेता निर्णय करें। मेरा मानना है कि ये सब बातें सेकेंडरी है। लोकतंत्र में मैंने पहला शब्द कहा कि मैं कम से कम व्यक्तिगत पूरी पार्टी हमारी ऐसा सोचती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से तो जो जीता उसे करना है। आप किसी भी बहाने की या किसी भी किंतु परंतु या नुक्स की आवश्यकता नहीं है। जनता ने मैंडेट नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो कुछ नहीं जीतू सर, सर ये आपका वजन काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको, तो ये चुनाव का तनाव था आपके ऊपर या फिर आपने मतलब अपनी डाइट को बढ़ा दिया है? मैं ये तो अलग अकेले में पूछने का सवाल। एक सवाल ये बीजेपी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि आपकी सरकार अब जाने वाली है, और इवन जो नौकरशाही है उसमें भी ये भाव आ गया है, तो कैसे आप देखते हैं? हाँ, ये बड़ा गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की नियति है कि वो अस्थिर करे नौकरशाही को, डराए इनडायरेक्टली नौकरशाही को, ऐसी बात कर करके सरकार को लेकर बयानबाजी करते रहे जिससे सरकार अल्टीमेटली वो काम नहीं कर पाए जो उसकी सोच है, जो विचार है। यही नियत इनकी देश के खिलाफ है, प्रदेश के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप को राजभक्त कहने वाले लोग ये इस तरह के नैरेटिव को तैयार करके किसका नुकसान करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के वासियों का, मध्य प्रदेश के उन मूल भावना का जिससे प्रदेश को समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है, इसी विचार के खिलाफ हम। धन्यवाद।